राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप अपना फायदा देखते ही रंग बदलने लगते हैं। इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही अब रंग बदलने लगा है राजस्थान की राजनीति में भी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही अपने आप के पैर जमाने के लिए हर नेता हर कार्यकर्ता पुरजोर कोशिशों में लगा हुआ है। इन दिनों वसुंधरा राजे भी बीजेपी में यही करती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरे कार्यकाल को अगर आप देख लेंगे तो शुरू से नदारद रही वसुंधरा राजे अब हर मंच पर नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ी हुई दिखाई देगी, मंच पर अपनी मौजूदगी उपस्थिति दर्ज कराती हुई दिखाई देगी। तो क्या अब वो भी रंग बदलने लगी हैं? तो क्या अब राजस्थान की फिजाओं में राजे का कमबैक होने वाला है? करेंगे इन सब मुद्दों पर चर्चा। चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ राजस्थान के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिवसेना शिंदे के राजस्थान प्रभारी चंद्रराज सिंह विजय। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछले अगर हम कार्यकाल को उठाकर देखें तो राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि वो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसके बावजूद भी अब अगर आप देखें जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही अब वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी हैं। क्या उनको अंदर से निर्देश दिए हुए हैं या कि ये ज़बरदस्ती की जा रही है? क्या है इन सब के पीछे का उद्देश्य? कोई उद्देश्य नहीं है। वसुंधरा राजे जिस दिन अमित शाह नरेंद्र मोदी की दूरबीन से अलग हुई तब मैंने आपके यहाँ इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था वसुंधरा जी आप अलग अलग मीटिंगें मत करो, अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो, अपने समर्थकों की हैसियत मत बताओ, अपने साथ आने वाले ये परनामी और यूनुस खान के चक्कर में मत पड़ो, आप मेरी बहन हो, राखी बांध बहन है, 25,000 लोगों के बीच मैंने राखी बंधवाई है, तो मैं एक भाई के नाते सही राय देता। तब मैंने कहा था आपके सारे प्रयास एक तरफ, आप केवल एक प्रयास करो कि मोदी जी और अमित शाह का आशीर्वाद लो। इन दो के कारण आज भारतीय जनता पार्टी अपने दूरी पर टिकी हुई है, इसके नज़दीक जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बात मानी, पर उन्होंने खुद ने सोचा होगा कि इस प्रकार तो बैठेगा नहीं। मैंने भी इनके 8-10 आदमियों को बुला के पूछा था कि तुम वसुंधरा के समर्थक हो? बोला हाँ है। मैं अगर भाजपा का टिकट और वसुंधरा दोनों में से एक चुनना है तो किसको चुनोगे? तो कहा टिकट को चुनेंगे। ऐसा उन्होंने भी पूछा होगा, तब उनको समझ में आ गया कि मेरी जो स्थिति है तब मैं जब भाजपा के साथ हूँ, आप जैसे मैं सैनिकों की बात करता हूँ मेरी कोई हैसियत नहीं है। अगर मैं शिवसेना में हूँ और एक नाथ शिंदे का आशीर्वाद है तो सारे शिव सैनिक मुझसे प्रेम करेंगे, नहीं है तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ये स्थिति वसुंधरा की थी। अब वसुंधरा घूम फिर कर नज़दीक जाना चाहती है, पर उनका उद्देश्य मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद और समर्थन पाने का नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनने का है। मैं चाहता हूँ आज भी वसुंधरा को उद्देश्य छोड़ देना चाहिए तो उनका सम्मान बढ़ जाएगा। अगर जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं और नेतृत्व चाहता है फिर कहाँ प्रॉब्लम है? पर नेतृत्व का मोदी जी और अमित शाह का समर्थन इतना जल्दी उनको मिल जाएगा, चाहे नज़दीक जाके खड़े रहो या पास जाके खड़े रहो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो दिल की बात है, मन की बात है, सम्मान की बात है। मैं तो किसी के पास जाके खड़ा नहीं रहता। मैंने तो अपना जब शिवसेना में आया तो मैंने एक ही बात सोची, शिवसेना के सैनिक जो देश के सच्चे सैनिक हैं, वहाँ बॉर्डर पर वो सैनिक लड़ते हैं या देशभक्ति के लिए ये सैनिक लड़ते हैं, इसलिए मेरे को पद की जरूरत ही नहीं है। सैनिक का सम्मान और सैनिक को सम्मान, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। कार्यकर्ताओं का सम्मान और कार्यकर्ताओं को सम्मान, ये वसुंधरा का लक्ष्य होना चाहिए। केवल नेता का सम्मान और नेता का आशीर्वाद, अगर ये लक्ष्य है बहुत छोटा लक्ष्य है। मैं वसुंधरा जी को बड़ी नेता मानता हूँ, मैं उनका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहा हूँ, उनके राज्य में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, मैं हमेशा उनका अच्छा चाहता हूँ। लेकिन मेरी आदत यही है, कोई मांगे नहीं तो राय नहीं देनी, राय उसी को दीजिए जाको सीख सुहाए, और वानर को राय दो तो घर बया का जाए, मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ। अब ये इनकी आपसे लड़ाई है, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मैं एक पॉलिटिकल थिंकर के नाते आपको इतना जवाब देता हूँ, बाकी अब ये मेरा विषय नहीं है, मैं विषय पर चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ हमारी बहन के नाते जो एक भाई का कर्तव्य है कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आप अच्छे रास्ते पर चलो और मोदी और अमित शाह का विश्वास प्राप्त करो, ये आपके लिए भी उचित है और देश के लिए भी उचित है।
तो पिछले चुनावों में जैसे कि ये नारा निकलकर सामने आया था, मोदी दूध से बैर नहीं लेकिन वसुंधरा दूध से खैर नहीं, उसके बाद से राजस्थान में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। एक समय था जब ये रानी की तरह राज किया करती थी, लेकिन आज अगर हम वसुंधरा राजे के फेस को अलग हटा कर रख दें तो बीजेपी में एक कोई दमदार फेस नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। जो बीजेपी सतीश पूनिया को अध्यक्ष बना सकती है, वर्तमान सीपी जोशी जिसको हैसियत नहीं है उसे प्रदेश का अध्यक्ष बना सकती है, तो वो पार्टी कुछ भी कर सकती है। फेस क्या है, देखिए सर में हाथ धर देंगे वो फेस बन जाएगा। आप मुझे बताइए, भामासुर के पास एक ताकत थी, वो जिस पर हाथ धरता था वो प्रसन्न हो जाता था, इसकी उल्टी है मोदी के पास। मोदी जिस पर हाथ धरेगा नेता बन जाएगा। फेस की कोई जरूरत नहीं है, फेस बहुत है। फेस की क्या कमी है, अगर अपने में फेस नहीं है तो एनडीए का फेस ले आओ। अब क्या हम लोग मर गए हैं क्या, किसी को चुन लो, हमारी इच्छा नहीं है पर अपेक्षा हो तो क्या बुरा है। इसलिए मैं नहीं मानता, फेस जरूरी है, जनता में व्यक्तित्व की धाक जरूरी है, फेस इतना जरूरी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान की राजनीति में जो वसुंधरा राजे का जो वर्चस्व हुआ करता था वो अब कम हो गया है? मेरा ख्याल तो आप खुद ही पता लगा लो। अब ये प्रचार किया जाता चीज है, कोई एमएलए साथ नहीं। आप एक काम करो, कोई भी 10 एमएलए को बुला के पूछो भाई तुम वसुंधरा जी की, वो बोलेगा हाँ, बोलो भाई टिकट ले हो गया वसुंधरा, तो कहेंगे टिकट लेंगे तो फिर वसुंधरा के साथ कहाँ रहे। ऐसे व्यक्ति जो कहे कि हमें टिकट नहीं चाहिए केवल वसुंधरा चाहिए, आप 10 ढूंढ के ले आओ तो मैं मान लूँगा कि वसुंधरा का नेतृत्व है, मिलेगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कैलाश गुंजर जैसे मजबूत आदमी उनके साथ हैं पर उनकी संख्या बहुत कम है, शून्य के बराबर है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि वसुंधरा राजे का राजस्थान की राजनीति में जो सफ़र है वो अब पूरा हो चुका है। आपकी क्या राय है, आपके क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कैसी लगी आपको वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की, अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों, कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का। याद रखिए नाम।